भारत में बिकने वाले पैकेज्ड फूड को लेकर सोशल मीडिया पर जो अवेयरनेस फैलाई जा रही थी, अब उसका थोड़ा थोड़ा असर देखने को मिल रहा है। सरकार ने अब पैकेज्ड फूड को लेकर कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा तो जरूर होने वाला है। सरकार ने अब पैकेज्ड फूड में जो शक्कर, नमक और फैट यूज होता है उसे बड़े बड़े अक्षरों में दिखाने को कहा है। यानी कि अभी तक किसी भी पैकेज्ड फूड यानी कि बिस्किट से कोल्ड ड्रिंक तक या फिर नूडल से चिप्स तक जो भी फूड आइटम है उसमें जो बिल्कुल साइड में छोटे छोटे अक्षरों में इंग्रीडियंट्स बताए जाते थे, अब उस नियम को बदल दिया गया है और इसके लिए फसाई ने कानून में बदलाव कर दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी बारे में, जानते हैं कि आखिरकार नियम में बदलाव होने से पैकेज्ड फूड में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है और क्या पैकेज्ड फूड पहले से हेल्दी बनने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वॉचिंग अनकट। फसाई FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ये एक ऐसा संगठन है जो देश में पैकेज्ड फूड को लेकर से रेस्टोरेंट से हर चीज तक लाइसेंस देता है और इन्हीं सभी चीजों की क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के नियम भी तय करता है। आज जो भी खाने का सामान हम पैकेज्ड खरीदते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स होते हैं, वो सभी कहाँ से कैसे कितना लिखा होना चाहिए वो भी फसाई ही तय करता है। अब इसके लिए इस संगठन ने एक नियम बना रखा है जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम 2020। इसी नियम के मुताबिक अभी देश में सभी पैकेज्ड फूड बिक रहे हैं और इसी नियम के मुताबिक उसमें शामिल इंग्रेडिएंट्स के डिटेल दिए होते हैं। लेकिन शनिवार यानी कि 6 जुलाई को फसाई की एक बैठक हुई थी जिसमें ये नियम में संशोधन कर दिया गया है। अभी तक जो नियम थे उसके मुताबिक उस फूड आइटम को बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स शामिल होते थे उनकी डिटेल पैकेज में लिखी होती थी। जैसे कि अगर किसी बिस्किट के पैकेज की बात करें तो उसके पीछे लिखा होता था कि रिफाइंड व्हीट फ्लावर यानी कि मैदा, फिर शुगर, फिर ऑयल, फिर स्वीटनर जैसी चीज़ों की बारी आती थी। ये सभी चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से लिखी होती थी, यानी कि अगर मैदा सबसे पहले है तो उसे फूड आइटम में सबसे ज़्यादा मैदा की मात्रा होगी और जो आइटम सबसे लास्ट में लिखा है उसकी मात्रा उस फूड आइटम में सबसे कम होती है। ठीक इसी तरह इस तरह के पैकेट में एक और हिस्सा होता है न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन का, जिसमें बताया गया होता है कि उस फूड आइटम में कितने न्यूट्रिशन है, जैसे कि कितना शुगर है, कितना फैट है, कितना ट्रांसफैट है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, नमक कितना है, ये सभी चीज़ें लिखी होती है और इसी को लेकर सरकार ने अब नियम बदल दिए हैं। सरकार का अब कहना है कि ये जो शक्कर, नमक और फैट की जो डिटेल है जिसे छोटे छोटे अक्षरों में कहीं पे भी लिख दिया जाता था उसे अब बदलने की ज़रूरत है। अब उन्हें बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखना होगा ताकि किसी भी खरीदार को ये चीज़ आसानी से दिख सके और उसे पता चल सके कि वो उस फूड आइटम से कितनी मात्रा में शक्कर, नमक या फिर फैट खा रहा है। अब फसाई के इस फैसले की खूब तारीफ होनी शुरू हो गई है। फसाई ने ये जो फैसला देश में तेजी से बढ़ रहे शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को ध्यान में रखकर लिया है। देश में लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते कई सारी बीमारियां सामने आ रही हैं। कंपनियां कई तरह के भ्रामक दावे करती हैं, जैसे कि फ्रूट जूस को 100% ओरिजिनल फ्रूट जूस बताकर बेचा जाता है और उसमें होता क्या है, कई 100 ग्राम शक्कर जो सुबह सुबह लोग पी रहे हैं और जाने अनजाने में कई तरह की बीमारियों को बुला रहे हैं। कंपनियों की इन्हीं मनमानी को रोकने के लिए फसाई ने अब कड़े कदम उठाए हैं ताकि पैकेट के अंदर कितना शक्कर है, कितना नमक है, कितना फैट है, ये खाने से पहले ही कंज्यूमर को पता चल जाए। अब इस फैसले से आपको क्या फायदा होगा ये भी बता देते हैं। देखिए, फसाई के मुताबिक ये फैसला लोगों को कई तरह की खतरनाक रोग से निपटने में मदद करेगा। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, डायबिटीज, थायराइड, माइग्रेन जैसी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अच्छे खाने पीने से अपने आप ही ठीक हो जाती है और इसी कारण फसाई ने नियम में बदलाव कर कंपनियों को हिदायत दे दी है ताकि लोगों को ये साफ साफ और सही सही पता चल जाए कि उनके खाने में कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में है
और वो सही से फैसला ले सके कि वो चीज उनकी सेहत के लिए ठीक है भी या नहीं। नमक, चीनी और फैट की मात्रा बोल्ड लेटर में लिखे होने से लोगों को वो चीज अच्छे से दिखाई देगी और लोगों का ध्यान उस ओर आसानी से जाएगा। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया साइट्स पर या फिर यूट्यूब पर कई सारे ऐसे क्रिएटर आ गए हैं जो हेल्दी फूड आइटम्स, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए पैकेज्ड आइटम के सही सिलेक्शन की टिप्स देते हैं। वो बताते हैं कि कौन सी चीजें हेल्दी बोलकर बेची जा रही है और उसे लेने से आपको कितना नुकसान हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रूट जूस के बारे में, सुबह सुबह अधिक मात्रा में शक्कर लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, लेकिन फ्रूट जूस के नाम पर जो शक्कर बेचा जा रहा है उसे सुबह सुबह लोग पीकर अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही 2 से 3 साल से कम उम्र के बच्चों की सेहत के लिए नमक और शक्कर दोनों बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, लेकिन देश में ऐसे कई सारे बच्चों को खिलाए जाने वाले मील्स और सीरियल्स हैं जो बेचे जा रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में शक्कर होता है और उसे हेल्दी बचाकर बच्चों को खिलाया जा रहा है। ऐसे में फसाई समय समय पर एक्शन लेता रहता है। हाल ही में उसने इन सारे प्रोडक्ट्स को हेल्दी ड्रिंक्स की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया था। तो फिर फसाई के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो का नॉलेज लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।